हेलो गाइस, प्रियंका ब्लॉग चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आप देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ आज लौंग लगता। तो मैं आधा केजी ली हूँ मैदा, और उसमें एक कटोरी शिकम ली हूँ गुनगुना रिफाइन, और इसमें हल्के हल्के हाथ से इसको मिलाऊंगी, इसमें डाल रही हूँ। आप लोग देखिए, आज मैं लौंग लत्था बनाने वाली हूँ, तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी कैसे बनता है। ऐसे मतलब गुनगुना पानी करके रखी हूँ इसमें, ये हल्के हल्के डालकर ये इतना मतलब डालेंगे, मतलब थिकनेस इसमें आ जाए, इतना मतलब रहेगा नहीं बढ़िया। और देखिए आप लोग, इसको मैं बना रही हूँ और डो बनकर मेरा तैयार होने वाला है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम मस लेंगे, मतलब चिकना हो जाए और अच्छा रहे इसको मतलब बनाने में। इसको 2 मिनट के लिए मैं रखूंगी ढककर। देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा सब हो चुका है, इसको एकदम रोटी लायक हो जाएंगे। तो 10 मिनट इसको मैं रख रही हूँ ऐसे करके, तब तक मैं चाशनी के लिए तैयारी कर ले रही हूँ। इसमें चाशनी भी लगेगा ना, तो चाशनी के लिए तैयारी कर ले रही हूँ इसमें। और जो गर्म पानी था इसी में चाशनी बनाऊंगी। तो इसमें डालूंगी इसमें आधा केजी मतलब चीनी डालेंगे इसमें, मतलब चाशनी में आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसका चाशनी मतलब अच्छा सा जब बने रहेगा तभी मजा आएगा खाने में। तो आप लोग देख सकते हैं हम रख रहे हैं चाशनी रेडी करके। तो भाई 10 मिनट हो गया है, मेरा डो बन के तैयार हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कितना स्मूथ बना, एकदम चिकना चिकना। आप लोग देख सकते हैं इसका भी कट कर मैं दिखा रही हूँ, ये एकदम चिकना चिकना हो गया। पूरी जो बना सकते हैं आप आराम से, एकदम चिकना। और जितना भी आप बड़ा सेब रखना चाहते हैं लौंग लत्ता का, उतना बड़ा रोलोई बना सकते हैं आप, इसका काट सकते हैं। और तो मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए बड़ा नहीं सेब दे रही हूँ। आप लोग देख सकते इतना बड़ा है, तो मैं बेल कर दिखा रही हूँ इसको। ऐसे ऐसे करके सारे हम बना कर रख लेंगे, आप लोग देख सकते हैं ऐसे ऐसे बना कर रख लेंगे। तो मैं चल रहे इसको बनाएंगे और भर कर दिखाएंगे आप। यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा कनपुरी आटा, इसमें एक चिपक जाता है, तो ऐसे पूरी के आकार हम बनाएंगे। एकदम मस्त बनाए पूरी जैसे, और देख रहे हैं कहीं भी से स्क्रेच नहीं आया, जैसे लग रहा है हम लोग जैसे घर पे आटा का रोटी बनाते हैं ना, वो इससे एकदम अच्छा सा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कहीं नहीं कुछ हुआ है, एकदम मस्त है। तो आप लोग को मैं बता रही हूँ, यहाँ पर जो खोआ भरा जाता है, मैं अपने घर से एकदम दूध प्योर दूध का खोआ मैं जलाई हूँ। आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा है, और मैं इसे निकाल रही हूँ, निकाल कर ज्यादा तो नहीं हो, इतना ही हो जाएगा तो अच्छा। तो अब देख लिया ऐसे बीच में हम लोग रखेंगे इसमें, और मौला तक लिए और पानी इसमें ऐसे लगा देंगे दोनों तरफ से, और ऐसे आप लोग मैं दिखा रहा ऐसे मोड़ा जाता है, ऐसे मोड़ देंगे। और इस बीच के तो मतलब हिस्से से, इसके हिस्से से हम इसे दबाएंगे,
इसको बनकर मेरा लॉन्ग लैपटॉप तो तैयार हो गया है, लेकिन इसको ऐसे लेंगे फिर पलट देंगे और यहाँ से एक तरफ पानी लगाएंगे और अंगूठा जो है ना अंगूठा इसके बीच में ऐसे मोड़कर हम रखेंगे और फिर ऐसे इधर से लेकर ऐसे रखेंगे और बीच में अंगूठा से ऐसे दबाएंगे क्योंकि मैं खुलेगा नहीं। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर मेरा लॉन्ग लत्ता एकदम रो गोलू सा बनकर तैयार हो गया है। तो ऐसे हम सारे निकाल लेंगे, ऐसे हम बना के पूरा रेडी कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कढ़ाई में रख दी पहले से, वीडियो में नहीं दिखाई रखी हूँ तो, और तेल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो और ज्यादा गर्म नहीं है इतना, ऐसे ऐसे सब इसमें डाल देंगे। इसके बाद से गैस हम लो कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके मैं सब इसमें डाल चुकी हूँ। और कम से कम मतलब इसमें 20 मिनट तो लग ही जाएगा बढ़िया से पकने में, इसको 15 से 20 मिनट लगेगा तब तक इसको मतलब लो करके रख रही हूँ। इसके लो में मतलब 15 मिनट लग जाएगा तो लो कर दी हूँ मैं, आप पक रहा है तो अब गोल्डन तक इसको मतलब मैं इंतजार करना है इसको। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा सुनहरा हो गया है एकदम मस्त, जितना बचा है ये इसे मैं निकाल दे रही हूँ निकाल कर। और उसके बाद से यह गर्म है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सा हो गया है, ये एकदम मस्त हो गया है, खाने में एकदम मस्त है। आप लोगों को खाना तो जल्दी जल्दी आइए और कमेंट कीजिए, और नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश करती रहूंगी आपको मतलब नए वीडियो बनाने के, मतलब अच्छे अच्छे वीडियो बना कर दें। और देखिए यहाँ पे चाशनी गरम है तो यहाँ पर मैं इसको डाल दे रही हूँ, चाशनी गरम है, आप लोग का मतलब इतना है तो चाशनी गरम है इसमें मैं डाल दे रही हूँ। देखिए करके मैं सर इसमें मतलब अच्छे से पूरा चला गया इसमें रस, इसमें चाशनी गर्म रहता तो अच्छा रहता है, देख सकते हैं आप लोग एकदम हो गया एकदम लॉन्ग लगता खाने वाला हो गया है। आधा घंटा इसमें छोड़ देंगे एकदम खाने के लिए रेडी है, देख लीजिए मैं दिखा रही हूँ एकदम अच्छे से, इतना अच्छा से लॉन्ग लगता बन चुका है, पक गया एकदम। तो नया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने तो आप लोग लाइक करके कमेंट कीजिएगा और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा कि हम अच्छा अच्छा वीडियो बनाएं, और कोशिश करेंगे हर आप लोग मिठाई बना कर मतलब वीडियो में दिखाएंगे बताएंगे, और अच्छे से आप लोग बताइएगा मतलब कौन सा आपको मिठाई मतलब पसंद है, हम बनाएंगे और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा हमेशा आप लोग। नमस्ते, अगले वीडियो में विदाई लेते हैं।